बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 25 सितंबर 2021 सिफर की 17 तारीख 1443 हिजरी, श्रीनगर से शाया होने वाले मकामी अखबारात की सुर्खियां लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपका मेज़बान लोन सुलेमान। आइए नज़र डालते हैं खास खास सुर्खियों पे। कोरोना से अमवात का सिलसिला 6 रोज़ बाद भी शुरू, एक फौत, 148 मुतासर। श्रीनगर 66 मुस्बत अफराद के साथ फिर सरफरेस्त। शहर की 8 बस्तियों में 10 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज, लाजमी खिदमत को छोड़कर तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों पर पाबंदी। जामिया मस्जिद और दरगाह हजरत बल जुमा इज्तमात मुनक्कद नहीं हो सके। लद्दाख में 10 दिनों में 5 गुना इजाफा। 2018 के पंचायती व बलियाती चुनाव के ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन की इजाफी तनख्वाह, 3 साल बाद हाउस रेंट और शहरी अलाउंस वापस लेने के अहकाम। UPSC के नतज 17 उम्मीदवार कामयाब, फॉरेस्ट गार्ड का बेटा भी शामिल। सड़क हादसे कंगन में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जानबाग, उड़ी में ड्राइवर और बांडीपोरा में बैंक मुलाजिम लुक में अजल। मजहबी व सियासी कायद मियां बशीर का चहलम, बाबा नगरी में कुरान खवानी की मजलिस आरास्ता। मजीद सुर्खियों के साथ आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला की क्यादत में मुल्क एक मजबूत निज़ाम के साथ महफूज हाथों में है, दहशतगर्दों की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए भारत में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए कोशा, अजय कुमार। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त चौकसी बरकरार रखने की ज़रूरत। पिछले कुछ अरसे में यूटी की सलामती सूरत हाल में मायने खेज तब्दीलियाँ, रोनमा मनोज सिन्हा। ये थी आज के मकामी अखबारात से ली गई सुर्खियाँ। आप बने रहिए द वॉइस ऑफ ट्रुथ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।